लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बदतमीजी है ये? किसे भेजा तुमने? चपरासी? चपरासी? क्या बात है भाई? तुझे शादी का न्योता देने आया हूं। किस हरामजादे की शादी का कार्ड है ये? पढ़कर तो देख। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। ओ मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। बाबा बहुत अच्छा लिखा है। आगे पढ़। अनिल ये तो मेरा नाम है। क्या मजाक है? मजाक तो वो था जो तू कर रहा था। अब तो शादी होगी और अगर तू सही दिन सोमवार सही वक्त पर 10 बजे सही जगह नहीं पहुंचा श्री मंदिर घंटा करके सामने तो याद रखना हमारे यहाँ दूल्हे को उठाकर ले जाने की भी रस्म होती है। उठाकर? क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहता, समझे? मर गए। अरे झक मारता हूँ, आएगा वो खुद की शादी में। सुनो, मैं नहीं चाहता कि शादी जबरदस्ती से करवाई जाए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से करवाई गई बात ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। जी? कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि वो खुद हमारी सीमा के पास आकर कहे कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कहाँ शैतान के घर में सत्यनारायण की पूजा रखने की बात कर रहा है यार ये। इस शैतान के घर में सत्यनारायण की पूजा जरूर रखवाऊंगा। अबे ओ सक्सेना की औलाद, बाहर निकल। कहाँ छुप कर बैठा? बाप रे बाप भागो। अरे रुको 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 रुको। ए भाई मेरी मदद करो, एक गुंडा नंगी तलवार लेके मेरे पीछे पड़ा है, जल्दी से किसी पुलिस स्टेशन ले चलो। हाँ बैठो बैठो। कहाँ बैठा? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ बैठो। अरे चलो 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 चलो। क्यों मियाँ, कोई छोकरी ओकरी का चक्कर तो नहीं? आपको किसे पता चला? अरे तेरे जैसे हंडसों आदमी के तो चक्कर चलते रहते होंगे। नहीं अब आपसे क्या छुपाना पड़े भाई, मैं जवान हूँ, वो जवान थी, जवानी दीवानी हो गई, अब साली गले पड़ रही है। हाँ तो शादी कर लेना यार। किस किस से शादी करूंगा मेरे भाई? अरे पुलिस तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप लोग हो कौन भाई? आप इन्हें नहीं जानते? नहीं। यह है डॉक्टर नारायण सिन्हा, जो 16 साल से परिवार नियोजन कार्यक्रम की महान सेवा कर रहे, इसी वजह से दुनिया इन्हें डॉक्टर नसबंदी नारायण सिन्हा के नाम से जानती है। और अब ये नसबंदी के जागतिक उच्चांक से सिर्फ 4 नंबर पीछे है, उसके लिए इन्होंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ड्यूटी ड्यूटी है। और तुम मेरे 99,996 पेशेंट हो। मुबारक हो। मुबारक। मेरी नसबंदी कर दी आप लोगों ने, क्यों, किसने कहा था? अरे मैंने कहा था यार, मैंने सोचा तेरा हमेशा का झंझटीज खत्म कर दू। अब जा, जितना चाहे हंस कर, अब तेरे को किसी लड़की से कोई खतरा नहीं और कोई लड़की तेरे पे इल्जाम भी नहीं लगा सकती। क्यों मानता है ना गुरु? क्या मैं कभी पाप नहीं बन सकता? मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। आया सर। ये देख, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर ये बांसुरी नहीं बजेगी तो मेरा तो बाजा बज जाएगा। बैंड बाजे का इंतजाम भी सरकार ने किया है। आया सर। ये क्या है? ये सरकार की तरफ से इनाम है, 220 रुपए आठ आने रोकड़ा और ये मर्फी का टुकड़ा।
नरसिंह भाई, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मैं भी तुझे ही ढूंढ रहा था। मुझे? तुझसे माफी मांगना चाहता था यार। वो दो टके की लड़की तेरी दौलत के पीछे पड़ी थी, उसके कहने पर खामखा मैं तेरे पीछे पड़ गया। ए, नहीं 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 नरसिंह भाई, वो मेरी दौलत के पीछे पागल नहीं थी, वो तो मैं ही था उसकी सूरत के पीछे दीवाना। अरे क्या हो गया तुझको? तालाब में अभी बहुत सी मछलियां बाकी हैं और तेरे पास आटा भी बहुत है। आटा तो है नरसिंह भाई, लेकिन कांटा नहीं रहा। मेरे साथ साथ सारी सक्सेना इंडस्ट्रीज की भी नसबंदी हो गई। मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई इकलौता भी नहीं होगा। नरसिंह भाई, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या? सीमा कहाँ मिलेगी? शुभ मंगल कार्य। ये कौन है? ये मेरे मामा है। मामा? हेलो यंग मैन, शादी में और तो कुछ नहीं ला सका मगर ये लाया हूँ। क्या है ये? ये है 99,999 टुकड़े, जिनमें से एक तुमको दिया था। ये क्या, यानी ये वही टुकड़ा है? ये वही टुकड़ा है, ये वही बाल है, ये वही चश्मा है, ये वही मूंछें, वही दाढ़ी, मगर मैं वो नहीं हूँ। अपुन टेम्पो दादा है क्या? यानी 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीमा, सुना तुमने? मैं बिल्कुल, यानी तुमने मुझे धोखा दिया या मैं ठीक हूँ या? और ये शादी? ये शादी नहीं होगी। नहीं सीमा, ये शादी जरूर होगी। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया, तुम्हें जलील किया सबके सामने, और फिर भी तुमने मुझे अपनाया। सीमा, अनिल सक्सेना इतना बेवकूफ नहीं जो सच्चे प्यार को पहचान ना सके। ये सब तो नरसिंह भैया की मेहरबानी। Somebody, I go my, I go away, somebody, I go my. Come on, Mino. Somebody, okay, give me your hand, give me your hand. Somebody, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Okay, Mino, that's the way to move. All right, okay, come on in, baby. Fantastic. Done, and, all right, Mino, you're doing fine. Okay, okay, now turn out, and come on in. क्या यार मीनू, ये जंगली मिला था डांस सीखने के लिए, कॉलेज के हॉल में कर लेते। वहाँ सारी लड़कियाँ टूट पड़ती तुम पर। रवि, हाय रवि। हाय। हाय मीनू। हाय गर्ल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हें कॉलेज में ढूंढ रहे थे। अच्छा, डांस सिखा रहे हो, हमें भी सिखाना। ओह शो शो, व्हाई नॉट। आप लोग बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। आइए ना। अरे आप लोगों को डांस सिखाने के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। चलिए, ओके गर्ल्स, लेट्स गो। अब जैसा मैं करूंगा वैसे ही करना। ओके, क्या हुआ? गुड़ से मक्खी की तरह उनसे चिपक रहे और पूछना क्या हुआ? क्या जरूरत थी उनके कमर में हाथ डाल के नाचने की? ए, 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 भाई, मैं किसी का भी हाथ पकड़ू या किसी की भी कमर, तुमको उससे क्या है? जरा डांस सिखाने के लिए हाथ क्या पकड़ लिया, तुम तो हकी जताने लग गए। क्या खरीद लिया क्या मुझको? इस शहर की हर चीज तुम्हारी जागीर है क्या? क्या खबर लाया टेम्पो खान? खबर तो बहुत गर्म है, फन की आजकल कड़की बहुत चल रही है ना, और ऐसी कड़की चलती रहे लेकिन टेम्पो खान साइकिल खान हो जाएगा क्या? सीधा खड़ा रहे। सॉरी। हाँ, थैंक यू। वन बिस्कुट। हाँ, आपकी बेबी है ना? क्या हुआ उसे?
अरे कल मोहल्ले में बहुत नाच रही थी वो रवि नाम के छोकरे के साथ। बहुत दोस्ती है, बहुत घूमती रहती है, उसको जरा कंट्रोल में रखो, नहीं तो एक दिन सिग्नल तोड़ के निकल जाएगी और तुम लाल झंडी हिलाते रह जाओगे। शट अप। मे आई कम इन सर? कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? तुम यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हो या आवारागर्दी करने के लिए आते हो? मैं कुछ समझा नहीं सर। मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं और सर मेरी अटेंडेंस भी पूरी है। तुम्हारी अटेंडेंस क्लास में कम और लड़कियों के साथ ज्यादा है। शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों के साथ घूमते फिरते? सर लेकिन मैं तो सिर्फ मीनू के साथ। यू विल हैव टू स्टॉप इट। ये मेरा नहीं बाप जी का हुक्म है। तुम्हें मीनू को छोड़ना पड़ेगा। जय कॉलेज, चॉइस इज योर्स। सर मैंने इतिहास आप ही से पढ़ा है, मैंने आप ही से पढ़ा है कि इस देश में नागरिकों को घूमने फिरने की, अपनी बात कहने की और अपने साथ जाति होने पर इंसाफ मांगने की पूरी आजादी है। और मैंने आप ही से तो सीखा है सर कि जो इस आजादी पर पाबंदी लगाता है वो तानाशाह कहलाता है। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमको तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दिया। मेरी आजादी आपका एहसान नहीं, मेरा हक है सर। मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, मैंने आजादी की हवा में सांसें ली हैं सर। आप मुझसे मनमानी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं तुम्हें रेस्टिकेट करता हूं अभी इसी वक्त। गेट अप, गेट अप। तुम अपनी मर्जी से बाहर जाती हो या वॉचमैन को बुलाऊं? जाता हूं सर, मगर एक बात याद रखिएगा, आप अपने ही सिखाए हुए सबक से हार गए। क्या बात है बच्चे, एडमिशन चाहिए या फीस फीस माफ करानी है? सुना है मुद्दतों से इस महल का फरमान इस शहर का कानून रहा है। ठीक सुना है। सुना है इस महल की घड़ी शहर की तीसरी आंख है जिससे कोई भी वारदात, हादसा या नाइंसाफी छुप नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। और ये भी सुना है कि आप इंसाफ बहुत अच्छा करते हैं। ठीक सुना है, मैं जब भी करता हूं इंसाफ भी करता हूं। तो फिर एक बात बताइए, अगर दो इंसान मिलकर कोई जुर्म करे मगर सजा सिर्फ एक को ही मिले तो ये इंसाफ हुआ या ना इंसाफी? ये सरासर ना इंसाफी है। किसने की है ना इंसाफी? आपने बाप जी, आपने। जब मैंने मीनू से दोस्ती करने का जुर्म किया तो आपने मुझे कॉलेज से रस्टिकेट करवा दिया। मीनू ने भी वही जुर्म किया था, उसे कोई सजा क्यों नहीं मिली? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बेटी है? आपके इस इंसाफ ने तो मेरा करियर बर्बाद करके रख दिया। बाप जी कोई हक नहीं है आपको इस गद्दी पर बैठने का, क्योंकि आपने खुद साबित कर दिया कि आपको इंसाफ करना नहीं आता। Shut up!
बेटा, वो लोग रवि को मार डालेंगे, उसे जान से मार डालेंगे। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपको दिखता नहीं है मैं ड्यूटी पर अकेला हूँ, मैं पुलिस चौकी छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। आप ऐसा करिए, उन गुंडों को पकड़ कर यहाँ ले आइए, मैं उन सालों को अंदर कर दूंगा। मैं उन्हें यहाँ कैसे ला सकती हूँ, मैं एक औरत हूँ, अकेली हूँ। अरे मैडम, आपके मोहल्ले वाले तो होंगे, उनकी मदद ले लीजिए। उनकी आत्मा भी वहीं गिर हुई है जहाँ आपकी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? हम मजलूमों के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है। आप में से किसी ने नरसिम्हा को देखा है? अरे मैं हूँ नरसिम्हा, आऊ क्या? सुनिए काका, तुम? अरे काहे बेटी, ये आजकल की डंडियां भी सत्यनारायण की कथा कराने लगी है ना, इसीलिए आना पड़ा। काका नरसिम्हा को कहीं देखा है? नहीं तो। हाँ, इसे अस्पताल ले चलते हैं।